हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप अपनी वीडियो एडिट करने के लिए फिल्मोरा का यूज़ करना चाहते हैं और आपको फिल्मोरा का यूज़ करना नहीं आता, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम फिल्मोरा वीडियो एडिटर का यूज़ कैसे कर सकते हैं अपनी वीडियो एडिट करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज प्रेस सब्सक्राइब एंड बेल आइकन एंड डोंट मिस एनी अपडेट। सो गाइस, मैं अपने फिल्मोरा को ओपन कर लेता हूँ। फिल्मोरा को यूज़ करने के लिए मैं आपको 8 स्टेप में समझाऊंगा। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है हम वीडियो को इंपोर्ट कैसे करेंगे, हाउ टू इंपोर्ट द वीडियो। गाइस, हमें वीडियो इंपोर्ट करने के लिए प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और आपकी वीडियो जिस फोल्डर में है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे मेरी वीडियो है वीडियोज़ के ऑप्शन में, तो मैं यहाँ से एक वीडियो को उठा लेता हूँ। जैसे मैं अपनी इस वीडियो को उठा लेता हूँ यहाँ से ओपन, और आपको यहाँ से ड्रैग करना है, इसको क्लिक करके रखना है और यहाँ पे नीचे आके छोड़ देना है। तो फ्रेंड्स, जो आपकी वीडियो है उसकी ये रिजोल्यूशन पूछ रहा है, तो आपको जिस टाइप में रखनी है तो आप रख सकते हैं। जैसे मैं 1920x1080 पिक्सल पे कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो मेरी वीडियो वो इम्पोर्ट हो चुकी है और मैंने इसको ड्रैग करके नीचे भी ला चुका हूँ। सो फ्रेंड्स, आपने वीडियो को इम्पोर्ट करना सीख लिया। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि आप वीडियो को स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, यानी कि आप वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड कैसे कर सकते हैं। आपको ये रेड कर्सर उस पॉइंट पे रखना है जहाँ से आप वीडियो को डिवाइड करना चाहते हैं दो पार्ट में। जैसे मैं इस पॉइंट पे रखता हूँ और इसके ऊपर रेड क्लिक करता हूँ, तो आपको यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, तो आपकी वीडियो ये दो पार्ट में अब डिवाइड हो चुकी है। तो मैं आपको एक पार्ट इसका आगे करके दिखाता हूँ। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, तो इसके इस वीडियो के दो पार्ट हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स, आपने वीडियो को स्प्लिट करना भी सीख लिया। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि आप वीडियो को ट्रिम कैसे कर सकते हैं। अब जिस पार्ट को ट्रिम करना चाहते हैं उसके ऊपर आपको ये रेड लाइन रखनी है। जैसे मैं इस पर रखता हूँ और इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, तो उसको मैं जब स्प्लिट कर दूंगा तो इसके भी दो पार्ट हो जाएंगे। जब आप एक पार्ट को सेट करोगे, उसके ऊपर राइट क्लिक करोगे, फिर आपको यहाँ पे डिलीट का एक ऑप्शन आएगा, डिलीट। तो फ्रेंड्स, आपका जो इतना सा पार्ट है जो नेक्स्ट पार्ट का, वो डिलीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप अब आपने ट्रिम करना भी सीख लिया। सो फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी दो वीडियो के बीच में ट्रांजिशन कैसे ऐड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जो मेरी यहाँ पे सिर्फ एक ही वीडियो है, तो मैं यहाँ पे दूसरी वीडियो इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं इसे यहाँ से ड्रैग करूँगा और इसके साथ रख दूंगा। अब आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन पे आना है और आपको जो ट्रांजेक्शन अच्छी लगती है आप वो यहाँ से उठा सकते हैं। जैसे मैं इस ट्रांजेक्शन यहाँ से उठा लूँगा और यहाँ पे छोड़ दूंगा। आप अपने ट्रांजेक्शन यहाँ से बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको प्ले करके दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो मेरी ट्रांजेक्शन है वो लग चुकी है। तो फ्रेंड्स, अब आपने ट्रांजेक्शन का भी यूज़ करना सीख लिया। सो फ्रेंड, नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी वीडियोस में इफेक्ट का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने इफेक्ट के ऑप्शन पे आ जाता हूँ और यहाँ से आप जो इफेक्ट रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम लाइक का जो इफेक्ट है ये रखूँगा। जैसे कि इस फ्रेश न्यू ऑप्शन को यहाँ से ड्रैग करूँगा और यहाँ पर छोड़ दूंगा। तो मैं अब आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो हमारी वीडियो में इफेक्ट है वो लग चुका है। अब मैं आपको कोई और इफेक्ट लगा के दिखाता हूँ। जैसे मैं इस इफेक्ट को यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक ब्लैक एंड वाइट का जो इफेक्ट है यूज करके दिखाऊंगा। जैसे मैं इसको यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ पे ड्रैग करके छोड़ दूंगा। अब मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो मेरी वीडियो है ब्लैक एंड वाइट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अब आपने इफेक्ट का भी यूज़ करना सीख लिया। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में। सो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है एलिमेंट्स। हम एलिमेंट्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं अपनी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं एलिमेंट्स पे क्लिक करता हूँ और आपको जो यहाँ से एलिमेंट चूज़ करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से इस एलिमेंट को यहाँ से चूज़ करता हूँ और यहाँ पे छोड़ देता हूँ। तो मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो हमारा एलिमेंट है वो लग चुका है। आप अपने एलिमेंट का यहाँ से साइज इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, आप यहाँ से ड्रैग करके इसको कहीं पे भी छोड़ सकते हो। तो मैं आपको वीडियो फिर से प्ले करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स जो मेरा ये एलिमेंट है यहाँ पे साइड पे शो हुआ है क्योंकि मैंने अभी अपनी एलिमेंट का जो साइज वो डिक्रीज किया। आप यहाँ से कोई भी एलिमेंट चूज कर सकते हैं, जैसे आपको यहाँ से कर्सर का भी एलिमेंट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने एलिमेंट का यूज करना सीख लिया। हम अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है नॉइस रिडक्शन। फ्रेंड्स हमारी वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी वीडियो में कोई नॉइस ना हो, जैसे कोई छोटी छोटी आवाजें आती हैं वो ना आए। तो फिल्मोरा 9 में आपको नॉइस रिडक्शन का भी ऑप्शन मिल जाता है। सो फ्रेंड्स मैं आपको नॉइस रिमूव करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इस वीडियो को यहाँ से ड्रैग करूंगा और यहाँ पे छोड़ दूंगा, ये जो छोटी छोटी लाइन दिख रही है आपको, ये हमारी वॉइस है हमारी वीडियो की। तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और इसको डिटेक्ट ऑडियो पे क्लिक करूंगा तो हमारी जो वॉइस है वो अलग हो जाएगी हमारी वीडियो से। अगर आपकी वॉइस अगर कम है आपकी वीडियो में तो उसको भी इंक्रीज करने का ऑप्शन है फिल्मोरा 9 में। जैसे मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, फिर आपको एडजस्ट ऑडियो पे आना है, फिर आपको यहाँ से इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो आपकी लाइन है वो लंबी हो रही है, छोटी हो रही है। आप इसको इसकी वॉइस यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, आप यहाँ से इसकी जो नॉइस भी कम कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ से डी नॉइस का ऑप्शन मिल जाता है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप अपनी नॉइस को वीक में कर सकते हो, मीड में कर सकते हो, स्ट्रांग में कर सकते हो, आप जैसे आपको ज़रूरत है अपनी वीडियो में। तो फ्रेंड्स आपने नॉइस रिडक्शन करना भी सीख लिया अपनी वीडियो में। तो फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है हम अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, फिर आप अपनी वीडियो को जो से फॉर्मेट में रखना चाहते हो आप यहाँ से रख सकते हैं। मैक्सिमम हमारा MP4 होता है तो मैं MP4 रहने देता हूँ। फिर आप यहाँ से अपनी वीडियो को रिसोल्यूशन को भी बढ़ा सकते हैं। जो आपकी वीडियो का साइज होगा वो है 5.7 MB। तो मैं यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ तो मेरी वीडियो का एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुकी है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको पूरी समझ आ चुकी होगी हम फिल्मोरा 9 का यूज़ कैसे कर सकते हैं अपनी वीडियो एडिट करने के लिए। तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो है वो एक्सपोर्ट ही हो चुकी। फ्रेंड्स अगर आपको फिल्मोरा 9 के ट्यूटोरियल पर एक और वीडियो चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट पर बता सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ चुकी हो फिल्मोरा 9 को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो एडिट करने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर दी वीडियोज़।